हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है वो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सेल आपको पता है, सेल का नाम सबसे पहले नाम दिया था किसने? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था या ब्राउन ने? तो आपका दिया था रॉबर्ट हुक ने। ओके, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ओके, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं में विभेदित करती है? वनस्पति कोशिका से अलग कर देती है किसको? जंतु कोशिका से, यानी कोई ऐसा चीज है जिससे दोनों में अंतर पैदा हो जाता है, तो वो है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है एक इन दोनों में से एक में अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? तो सेंट्री ओल होता है। ओके, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है और एनर्जी का जो बैंक होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, यानी राइबोसोम अगर नहीं रहता है तब कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता है? तो निश्चित है, अभी बताए प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर राइबोसोम ही नहीं है तो प्रोटीन कैसे संश्लेषण हो जाएगा? प्रोटीन बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा? अभी बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी को परिवहन करना। ओके, और भोजन का ऑक्सीकरण करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ऑक्सीकरण। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर हाउस। ओके, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग आपका प्लास्टिड होता है। सबसे बड़ा आपका कोशिकांग कौन सा होगा? प्लास्टिड होगा। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा आपका? तो राइबोसोम में, बताए थे प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का काम है। ओके, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का, और भोजन का ऑक्सीकरण भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है? सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। पेड़ का जो सबसे बाहरी परत होती है ना, वो कोशिका भित्ति कहलाती है। ओके, कोशिकाओं का एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? यानी कोशिका एक निश्चित रूप बनाएगा तो वो कौन करेगी? कोशिका भित्ति ही करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान कर दी, यानी कैसा होना चाहिए वो प्रदान कौन करेगा? कोशिका भित्ति करेगी। और कोशिका भित्ति जो होती है, एक पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होती है, प्लांट का सबसे बाहरी आवरण यही होगा कोशिका भित्ति, और यही रूप देगा। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित दिल झिल्लीदार और अनियमित नालिकाएं का घना जाल बना होता है। इस घना जाल को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। IR, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, उपस्थित महीन साकेत झिल्लीदार अनियमित नालिकाएं होती है, इरेगुलर नालिका होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है कौन? प्रोटीन निर्माण बताए थे राइबोसोम ही, वो स्थान है जहाँ पर प्रोटीन बनेगा। ओके, राइबोसोम।
भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी केवल प्लांट में ही पाई जाती है, ये बताना है। तो देखिए, केवल प्लांट में आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है जो निश्चित आकार देती है प्लांट को, लवक भी पाई जाती है और रिक्तिकाएं भी पाई जाती है, ये सभी पाई जाती है। ओके, कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी वैसा कोशिका अंग जो केवल पादप में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाई जाती है और रिक्तिकाएं पाई जाती है, ये तीनों ही पाई जाती है। ओके, कौन कौन? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। कभी कभी ये भी पूछेगा रिक्तिकाएं किस में पाई जाती है, तो याद रखिए पादप कोशिका में, या लवक किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में। आ कोशिका भित्ति तो आपको बता ही दी है। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? सक्रिय स्थल आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। ओके, यहीं पर कोशिका जो होती है श्वसन करती है। ओके, वही कहे तो भोजन का ऑक्सीकरण करना यानी ऑक्सीजन का कार्यक्रम करना कौन? माइटोकॉन्ड्रिया जगह, तो यहीं पर कोशिकीय श्वसन सक्रिय होगा। ओके, कोशिकीय श्वसन कहाँ सक्रिय होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं किस में? जर की कोशिका में पाई जाती है। किस में? जर की कोशिका में पाई जाती है। इसको आप ट्रिक से याद रखिए कैसे। पहले अवर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी का मतलब है बिना कलरफुल का। देखे होंगे आप पेड़ का जड़ है वो मात्र या केवल एक ही कलर का होता है, चाहे किसी भी पेड़ का देख लीजिए, ठीक है? तो ये जड़ों की कोशिकाओं में पाई जाती है अवर्णी लवक। ओके, एक कलर का होता है यानी उसका कोई कलर नहीं होता, मात्र एक कलर फिक्स है, इसलिए याद रखिएगा अवर्णी लवक उसका कोई कलर नहीं होता है, अवर्णी लवक कहलाता है। ल्यूकोप्लास्ट ये ट्रिक है, सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है? ये अपने को एग्जाम निकालना है, ठीक है? नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट जो होगी ये फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करती है। ओके, फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। बीज और फूल, ये भी पूछ सकता है क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, तो बोलिएगा फूल और बीज को रंग प्रदान करता है। ओके, जो लाल हरा रंग हो जाता है ये सब वगैरह। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करते हैं कौन? पत्तियों का हरा रंग आपका प्रदान करेगा क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है पत्तियों में, याद रखिएगा। ओके, आप क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या है? बीजों का रंग प्रदान करना, आप फूल का रंग प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी कोशिका जो होती है यहाँ पर आत्महत्या कर लेती है यानी खत्म हो जाती है। ओके, कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाती है किसको? लाइसोसोम को। प्रोटीन जहाँ संश्लेषण वगैरह है वो सोम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कही जाती है। फिर से सुनिएगा, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वैसा एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है, और इसी को कहते हैं कोशिका की आत्महत्या थैली। ओके, नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से जो सेल होता है यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो जल होती है, सबसे ज़्यादा जल ही पाई जाती है। ओके,
निम्नलिखित में से यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाए स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। ओके, फिर से सुनिएगा, स्लाइडेन स्वान ने क्या कहा था कि मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जितना भी जीव है किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। ये किसने कहा था? स्लाइडेन एंड टी स्वान ने कहा था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति। ओके, कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति अंतर पाया जाता है। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है लेकिन पशु कोशिका में नहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि आकार तो प्रधान कोशिका भित्ति ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गॉल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? गॉल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है स्राव करना। ओके, स्राव करना। गॉल्जी इकाई का मुख्य कार्य क्या है? स्राव करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? यानी इस इनमें से कौन सा कोशिका का अंगक है जो डीएनए रखेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है आपका डीएनए रखेगी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका डीएनए रखता है। पूछेगा डीएनए किस में पाया जाता है, तो बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका अंगक है जिसमें डीएनए होता है। ओके, कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। गॉल्जी इकाई का मुख्य कार्य क्या है? स्राव करना, रिलीज करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन निर्माण में करेगा आपका राइबोसोम तो होगा ही होगा। ओके, तो इसमें से कौन सा आपको इधर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में ये प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निभाता है और राइबोसोम भी निभाता है। कभी कभी राइबोसोम छोड़ देता है, तो याद रखिएगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप मारिएगा। ओके, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक से नियंत्रण ने क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एजिंग कहलाएगी। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? एजिंग कहलाएगी। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण ने क्या कहलाता है? एजिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में नहीं होता है कौन? लवक। लवक सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, बताया थे आपको, प्लांट में ही पाया जाता है। डीएनए पूछा है किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस भी डीएनए को कहा जाता है। ओके, लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का कार्य है क्या करना? देखिए, बताए थे लाइसोसोम ही आपका है प्रोटीन का, सॉरी, कोशिका का आत्महत्या थैली कहलाती है। ओके, और इसी को कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन, यानी अंतः कोशिकीय यानी अंदर ही अंदर क्या करेगा? कोशिका को पचा लेगा यानी मार देगा। ठीक है, खत्म कर देगा। कौन? तो लाइसोसोम करेगा। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति होती है क्या? कोशिका भित्ति होती है आपका पारगम में। कैसी होती है? कोशिका भित्ति पारगम में होती है।
पूछेगा सेल वॉल कैसी होती है, तो बोलिएगा पारगम में होती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या कहला जाएगा? क्रिस्टी कहला जाएगी। ओके, इसको क्रिस्टी कहेंगे। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है आपका? तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें नहीं पाया जाता है, जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाणु है, इसमें आपका नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया में सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है बैक्टीरिया में। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन ये भी देता कि जीवाणु में क्या नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन दे ही मार दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन दे देगा तो बोलिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ओके, जीवाणु ही में मात्र ऐसा है जिसमें ये नहीं पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म का पुरकिंजे ने, प्रोटो पुरकिंजे इस प्रकार याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। ओके, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे शब्द का, जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। ओके, नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या कथन किसने किया कहा था? हक्सले ने किया कहा था। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ओके, तो किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। ओके, डीएनए के दुई हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? यानी दुई हेलिक्स प्रारूप होता है, डबल स्ट्रक्चर होता है, किसने बोला था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। ये बहुत से एग्जाम में आया है, इसको याद रखिएगा खास का। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले आपका ब्राउन ने किया था। ओके, किसने किया था? ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की खोज। ओके, पूछेगा इस चारों में ऑप्शन है ब्राउन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किससे? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा होती है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां। कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियां कंट्रोल करेंगे किससे? केंद्रक के द्वारा करते हैं। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है किसने? तो गुणसूत्र प्रदान किया है बॉल्डियर ने। ओके, क्रोमोसोम शब्द यानी गुणसूत्र शब्द का किसने दिया है? बॉल्डियर ने। बॉल्डियर ने दिया है गुणसूत्र का। नेक्स्ट है, अंतः प्रद्रव्य की जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कहलाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये दोनों मिलके क्या करता है? अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ओके, ईआर की खोज किसने की थी? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था पॉटर ने। किसने खोज किया था? पॉटर ने खोज किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, पॉटर ने क्या किया था? प्रोटीन का खोज, सॉरी ईआर का खोज किया था। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रो सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का खोज नॉल और रस्का ने किया था। ओके, नॉल और रस्का ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है?
केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? बताए थे जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। ओके, न्यूक्लियस इसमें नहीं पाई जाती, यानी जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में ना तो आपका केंद्रक होता है, और केंद्रक के द्वारा न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। ओके, जबकि जीवाणु में न्यूक्लियस होता नहीं है, केंद्रक होता नहीं है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, याद रखिएगा, जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में। ओके, सर्वाधिक संख्या 2N में गुणसूत्र पाए जाते हैं किस में? इस सब में से सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाया जाता है ऑफियोग्लॉसिस में। किस में? ऑफियोग्लॉसिस में पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र, क्रोमोसोम। मनुष्य, आलू, इस सब की तुलना सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लॉसिस में। नेक्स्ट है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। भौतिक आधार क्या है आपका? प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक अधिकार आधार क्या है? तो बोलिए प्रोटो प्लाज्म है। ओके, केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो बोलिएगा, जीवाणुओं में नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगी तो। ओके, नेक्स्ट है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद में है उपस्थित। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? इनमें से सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है? कोशिका के बारे में सही नहीं ये बताना है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, गलत है। अलग अलग प्रकार की ऊतकें विद्यमान होती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोशिका के बारे में और पढ़िएगा। कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, ठीक है। जो कोशिका का आकार है और मेजरमेंट है, उस हर किसी का अलग अलग कार्य है शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। जी हाँ, कोशिका के आकार क्या होते हैं? कुछ कोशिका के बदलते हैं आकार, कुछ कोशिका के क्या होते हैं? आकार बदलते हैं। ओके, कुछ कोशिका के आकार क्या होते हैं? बदलते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यानी हर कोशिका का अलग अलग आकार तो बदलता ही है, प्लस अपना काम करने का तरीका भी होता है। ओके, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यानी अपने तरीके से काम करने का तरीका होता है। नेक्स्ट है, कोशिका अंगकों में कौन एक अर्ध पारगम्य होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध पारगम्य होती है, और कोशिका भित्ति का प्लांट का रूप, उसका बॉडी जो होगा, बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कोशिका भित्ति पर निर्भर करती है, यानी कोशिका भित्ति ही बनाती है। अर्ध पारगम्य भी कोशिका झिल्ली होती है, अपारगम्य होता है कोशिका भित्ति। ओके, केंद्रक के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल आपका कोशिका। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पोषकों में से कौन एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो किसके कारण कोशिका भित्ति एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है? किसकी कारण लेगा? तो मैग्नीज के कारण रहेगा, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं। कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन सा है? मैग्नीज। ओके, याद रखिएगा, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, यानी
यानी कोशिका भित्ति का एक स्ट्रक्चर देने वाला रूप होता है ना, उसमें क्या होना चाहिए? तो मैग्नीज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम में होती है। हाँ होती है, यानी कोशिका कला का मतलब होता है कोशिका भित्ति वर्णात्मक पारगम में होती है। हाँ होती है, क्यों होती है? क्योंकि यह कुछ कोशिकाओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में क्या करती है, होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देता है। ओके, फिर से सुनिएगा, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम में होती है। वर्णात्मक का मतलब हर किसी को नहीं जाने देती है। क्यों? क्योंकि कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, यानी कुछ अणुओं के अंदर या बाहर हो की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है। ठीक है, यानी कोशिका है और उसमें अणु अगर घुसाना है या बाहर निकालना है तो कुछ को ही जाने देता है। ओके, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देता है और बाकी सबको रोक देगा। फिर से इसका मतलब समझिएगा आप, इसका मतलब है कि अगर कोई कोशिका है और उसके अंदर कोई अणु को घुसाना, जैसे पानी का मॉलिक्यूल्स, कुछ का भी, बीमारी हो गया, ये सब, तो कुछ को घुसने देता है लेकिन अधिकांश को रोक देता है। हालांकि बीमारी एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कोशिका कला का वर्णात्मक पारगम्य में, इसीलिए कहा गया है कि हर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ओके, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, और क्या सुधार करना ये बताइएगा आप। ओके।